आज से सबमरीन खंडेरी का ट्रायल रन शुरू। मुंबई में समुंदर के आगोश में समाया खंडेरी। फ्रांस की मदद से बनी है पनडुब्बी खंडेरी। बीएमसी चुनाव की तैयारियों में जुटी शिवसेना। पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, कहा दोस्त साथ देने को तैयार थे। उद्धव ठाकरे को उम्मीद, बीएमसी में लहराएगा शिवसेना का परचम। बीएमसी चुनाव में शिवसेना बीजेपी के बीच गठबंधन पर फैसला। आज उद्धव और फडणवीस के बीच तालमेल को लेकर होगी बैठक। एक्टर ओमपुरी की मौत का गहराया राज। सूत्रों के मुताबिक ओमपुरी का फोन दूसरी पत्नी के पास मिला। पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। बार डांस पर प्रतिबंध के लिए राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील। कहा बार डांस ऐसी कला नहीं जिसे सुरक्षित रखे जाने की जरूरत। मुंबई रेलवे चोरी की वारदात से परेशान। आंकड़ों के मुताबिक हर रोज करीब 17 शिकायतें होती हैं दर्ज। मुंबई थाने उल्लासनगर नगर निगम चुनाव 21 फरवरी को। नामांकन भरने की तारीख 27 जनवरी से 3 फरवरी तक। मुंबई में झुग्गी झोपड़ियों की हालत सुधारने के लिए करोड़ों की योजना। 2017-18 के लिए 107 करोड़ की मंजूरी। मुंबई में भी गिरा पारा 11.9 डिग्री के साथ आज सबसे ठंडी सुबह। बीएमसी चुनाव से पहले एमएनएस का आरक्षण दाम। स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण का किया वादा। मराठी मानुष के मुद्दे पर अजित पाटिल। बीएमसी चुनाव पर होगी इनकम टैक्स की पैनी नजर। उम्मीदवार के खर्चों का होगा हिसाब किताब। फिर धरा गया मुंबई एयरपोर्ट पर सोना। रियाद से एलईडी लाइट में चोरी छुपे लाया जा रहा था 30 लाख का गोल्ड जब्त। मुंबई में बाला साहब ठाकरे के स्मारक के लिए मिली जमीन। सुधार समिति ने महापौर बंगले की जमीन स्मारक समिति को दी। विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए सरकार की अनोखी योजना। अब कॉलेजों और महाविद्यालयों से जारी होंगे ड्राइविंग लाइसेंस। मुंबई में मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी का कैलेंडर लॉन्च। रेखा शाहरुख दीपिका पादुकोण समेत कई सितारे हुए शामिल। अभिनेता विन डीजल आज से भारत में करेंगे फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ जैंडर केज का प्रमोशन। फिल्म में दीपिका पादुकोण है हीरोइन। मुश्किल में ऋतिक की फिल्म काबिल। कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाकर प्रोड्यूसर सुधांशु पांडे पहुंचे हाईकोर्ट। अभिनेत्री पूजा मिश्रा ने गूगल यूट्यूब के खिलाफ किया केस दर्ज। कुछ गलत वीडियो के जरिए छवि बिगाड़ने का लगाया आरोप। सर्बिया के प्रधानमंत्री पहुंचे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सुबह पीएम के ओपनिंग बेल से खुला बाजार।